हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड री असेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। जब भी न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करना होता है। देखिए, इसका पूरा सही टर्म है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड री असेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। लेकिन नॉर्मली इसको बोलते ऐसे हैं कि रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो क्या होता है एग्जाम में, क्या क्वेश्चन थ्योरी में भी पूछा जा सकता है इसका? यस, थ्योरी में पूछा जा सकता है इसको। एक बार पूछा भी गया थ्योरी में कि इज इट एप्रोप्रिएट टू रीवैल्यू एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। देखिए क्यों एप्रोप्रिएट है, क्योंकि एसेट्स और लाइबिलिटीज न्यू पार्टनर के आने से पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो अगर उनको रीवैल्यू करने से कोई प्रॉफिट हो रहा है तो न्यू पार्टनर उस प्रॉफिट को लेने के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। और अगर लॉस हो रहा है तो न्यू पार्टनर रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है उस लॉस को बियर करने के लिए। तो इसलिए अच्छा होता है कि न्यू पार्टनर के आने के समय जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का, वो ओल्ड पार्टनर में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, थोड़ा लिख भी रखा हमने इसको, आप एक बार देख लेना और इससे वो क्वेश्चन आंसर करने में आपको आसानी हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी अगर करें तो उसके रूल्स क्या है, कैसे रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट को लॉस को। तो बिल्कुल सिंपल मैं आपको दो तरीके बता रहा हूं इसमें, कि दो चीजों का आपने ध्यान रखना है कि प्रॉफिट को और लॉस को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। बाकी इसमें कुछ रटने वटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रूल्स फॉर रिवैल्यूएशन, सबसे पहले आप ध्यान रखें कि अगर आपको लॉस हो रहा है, किसी भी चीज से लॉस हो रहा हो, फॉर एवरी लॉस आपको हमेशा रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना है, और जिस चीज से आपको लॉस हो रहा है आप उसे क्रेडिट कर दें। फॉर एवरी लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लॉस आइटम, यानी कि जो आइटम आपको लॉस क्रिएट कर रहा है आपके लिए आप उसे क्रेडिट करें, रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दें। कौन सा आइटम है जो लॉस क्रिएट करते हैं? तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट की वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है तो उससे लॉस होगा। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो लॉस हो जाएगा। और रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, कोई लाइबिलिटी अनरिकॉर्डेड थी वो आपके अब आपको पता चला लाइब्रेरी का, तो उसको रिकॉर्ड करेंगे, उससे लॉस होगा। तो ये लॉस के तीन आपके सिचुएशन हो सकते हैं, तीन तरीके से आपको लॉस हो सकता है, एसेट की वैल्यू कम होने से, लाइब्रेरी की वैल्यू बढ़ने से, या अनरिकॉर्डेड लाइब्रेरी को रिकॉर्ड करने से। और रिकॉर्ड करने का रूल क्या है? जब भी लॉस हो इनमें से किसी भी चीज से लॉस हो रहा हो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लॉस आइटम। प्रॉफिट के लिए उसको उल्टा कर दें, फॉर एवरी प्रॉफिट एंड गेन प्रॉफिट जिस चीज से लॉस को डेबिट करें रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करें। आपने सिंपल ध्यान रखना है कि हर लॉस के लिए रिवैल्यूएशन डेबिट, हर प्रॉफिट के लिए रिवैल्यूएशन क्रेडिट, अपोजिट साइड में आइटम रिजल्टिंग इन लॉस और प्रॉफिट रहेंगे। तो इसलिए प्रॉफिट के लिए क्या होगा? प्रॉफिट आइटम डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब प्रॉफिट किन किन चीजों से हो सकता है? देखिए, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, वो जो तीन चीजें थी उनको रिवर्स कर लो आप, एसेट की वैल्यू के बढ़ने से प्रॉफिट होगा, उसके अलावा लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो जाने से प्रॉफिट होगा, और कोई एसेट अगर अनरिकॉर्डेड है तो उसको रिकॉर्ड करने से भी आपको प्रॉफिट होगा। तो ये आपने रिकॉर्ड कर लिया प्रॉफिट लॉस। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट आप क्लोज करेंगे, तो क्लोज करने में देखिए आपको टोटल क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अगर आपको लॉस हो रहा है रिवैल्यूएशन में, इन केस ऑफ लॉस एंड रिवैल्यूएशन, तो आपको क्या करना है कि उस लॉस को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देना है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपको उसको बांटना होगा। और अगर प्रॉफिट हो रहा है रिवैल्यूएशन पर, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा और ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल में उसे क्रेडिट कर दिया जाएगा, और ये भी ओल्ड रेशियो में ही होता है, ठीक है। तो भी जब भी आपको प्रॉफिट या लॉस होगा तो आप ओल्ड रेशियो में ही उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये स्पेलिंग थोड़ा गलत हो रखे तो ठीक कर देते हैं, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये आप इस तरह से इनको रिकॉर्ड कर सकते हैं प्रॉफिट लॉस को। तो देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझेंगे। देखिए एक एग्जाम्पल बना रखा हमने कि ए और बी दो पार्टनर हैं और प्रॉफिट 3:2 का शेयर करते हैं। ये उनकी बैलेंस शीट आपको दी हुई है, और अब जो इंफॉर्मेशन नीचे लिखी हुई होंगी एडजस्टमेंट, उनको देखना हमने और पता करना उनसे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो सबसे पहले क्या दिया, बिल्डिंग इज एप्रिसिएटेड इन वैल्यू बाई 10%, बिल्डिंग की वैल्यू 10% बढ़ गई। अब बिल्डिंग क्या है? बिल्डिंग एसेट है, अगर एसेट की वैल्यू 10% बढ़ी तो आपको हुआ प्रॉफिट। तो देखिए बिल्डिंग है 2.5 लाख रुपए की, 10% वैल्यू बढ़ गई तो प्रॉफिट हो गया 25,000 रुपए का। तो हर प्रॉफिट के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है, तो एंट्री क्या बन जाएगी,
बिल्डिंग्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ये एंट्री बनी। और यहां पर आप अमाउंट लिख दें 25,000, 25,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, देयर इज अ फॉल ऑफ 5% इन द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। देखिए प्लांट मशीनरी की वैल्यू में 5% का फॉल है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा फॉल 5% का। तो ये क्या हुआ, प्लांट एंड मशीनरी भी एसेट है लेकिन इसकी वैल्यू में फॉल हो रहा है, तो ये आपके लिए नुकसान है। तो प्लांट एंड मशीन की वैल्यू है कितनी, 3,60,000। अब देखिए 5% निकालना है तो 360 हम अगर लिखते हैं तो ये 10 काटने पर होता है 10%, इसका आधा अगर हम कर देंगे तो 18,000 हो जाएगा 5%। तो इसको हम जो है रिकॉर्ड कर लेंगे, कैंट्री बनेगी रिवेल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी 18,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, अ डिस्प्यूटेड लाइबिलिटी इंक्लूडेड इन क्रेडिटर फॉर 12,000 इज नाउ डिसाइडेड टू बी सेटल्ड फॉर 9,000। देखिए अब ये क्या लाइबिलिटी है, 12,000 रुपए की इंक्लूड है क्रेडिटर्स में और सेटल हो गई है कितने में, 9,000 में। तो यहां 3,000 रुपए लाइबिलिटी आपकी कम हो गई है, तो लाइबिलिटी का कम होना होता है प्रॉफिट। तो हम क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा प्रॉफिट से और जिस चीज से प्रॉफिट होगा वो डेबिट हो जाएगी, तो यानी कि क्रेडिटर्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन। 3,000 का प्रॉफिट हुआ था, 3,000 का प्रॉफिट हम लिख देंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है प्रोविजन ऑन डेटर्स शुड बी 5% ऑफ डेटर्स, डेटर्स पर 5% का प्रोविजन आपको बनाना है। डेटर्स है 1,55,000 के, तो 1,55,000 में से 10 आप कम कर दें ये हो गया 10%, 2 से डिवाइड कर दें तो ये आपका आ जाएगा 7,750। इतना प्रोविजन होना चाहिए, 5,000 आपके पास पहले से ही है तो 2,750 आपको और बनाना पड़ेगा। तो किसी भी एसेट पर प्रोविजन क्रिएट करना होता है लॉस, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लॉस की एंट्री करनी पड़ेगी। लॉस के लिए क्या होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लॉस आइटम प्रोविजन ऑन डेटर्स। तो 2,750 ये आप यहां पर लिखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹15,000 इज नॉट पेबल नाउ हैंड शुड बी रिटन ऑफ। आउटस्टैंडिंग सैलरी है 15,000 रुपये, तो ये अभी तक हमने रिकॉर्ड नहीं किया, अब इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। नहीं रिकॉर्ड है, अब है राइट ऑफ करना, यानी कि ये देनी नहीं है। आउटस्टैंडिंग सैलरी थी 15,000 की, नॉट पेबल हैंस शुड बी रिटन ऑफ, अब इसको हमने राइट ऑफ कर देना है। तो देखिये ये भी एक लाइबिलिटी थी और लाइबिलिटी हमको पे नहीं करनी तो ये हमें प्रॉफिट हो गया। तो एंट्री क्या बन जाएगी, आउटस्टैंडिंग सैलरी डेबिट टू रिवैल्यूएशन पे वैल्यू है उसको आप लिख दीजिए। देखिए नेक्स्ट है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन वॉज नॉट पेड फॉर लास्ट 3 मंथ, 3 महीने से बैंक लोन का इंटरेस्ट दिया नहीं है। तब आप देखिए बैंक लोन आपको दिया 12%, ठीक है 3 महीने का आप निकाल लेते हैं। 1,00,000 रुपया का लोन है, 12% ये जो दिया हुआ है ये रिटर्न रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसका 1,200, लेकिन ये साल का होगा, आपको 3 ही महीने का निकालना है। 3/12 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल, 1,000 × 3 3,000, 3,000 रुपये इंटरेस्ट लगता है 3 महीने का, 3,000 रुपीज। तो ये इंटरेस्ट भी आपका आउटस्टैंडिंग हो गया ना, आपने देना है दिया नहीं, तो ये भी आपके लिए लॉस है। एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन डेबिट होगा लॉस, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन बैंक रुपए आप क्या देखते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक को। देखिए लास्ट आइटम है, इंक्लूडेड इन स्टॉक इज एन ऑब्सोलीट आइटम ऑफ 7,000 हुज मार्केट वैल्यू हैज गॉन डाउन बाय 3,000। स्टॉक में एक ऑब्सोलीट आइटम है यानी कि आउटडेटेड आइटम है जो अब बिकना मुश्किल होता है, 7,000 रुपये इसकी वैल्यू है लेकिन इसकी वैल्यू अब गॉन डाउन बाई 3,000, 3,000 रुपये कम हो गई है, तो 3,000 का नुकसान हो गया। अगर लिखते हैं कि 3,000 रह गई है वैल्यू गॉन डाउन टू 3,000 तो डिफरेंस देते 4,000 रुपया, तो ये लॉस को रिकॉर्ड करेंगे, लॉस है अभी। तो क्या हो गया एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू
स्टॉक है, 3,000 रुपये का नुकसान जो है वो आपने रिकॉर्ड। तो देखिए सभी ट्रांजेक्शन जो हमें दिए थे हमने कंप्लीट कर लिए। अब हमें क्या करना है कि इन सबको हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल देना है और एक एंट्री और बनेगी जिसमें रिवैल्यूएशन का या तो प्रॉफिट निकलेगा या लॉस निकलेगा, उसको हम यहाँ रिकॉर्ड कर, उस एंट्री के लिए हम स्पेस ले लेते हैं यहाँ पर। और अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट नीचे बना लें। तो देखिए सब एंट्रीज रिकॉर्ड हो गई है, तो अब हमें क्या करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट भी एक नॉर्मल अकाउंट की तरह ही होता है, दो साइड इसमें होते हैं, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। अब आपको क्या करना है इन एंट्रीज के अमाउंट को पोस्ट कर देना आपने। अगर रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में लिखेंगे, रेफरेंस उल्टा दिया जाएगा। देखिए जैसे बिल्डिंग्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 25,000, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट है तो हमने क्रेडिट साइड में यहाँ लिख देना है 25,000। रेफरेंस क्या देंगे कि किस चीज से क्रेडिट हुआ है, बिल्डिंग्स, हम यहाँ लिखेंगे बाई बिल्डिंग्स अकाउंट, क्या आ जाएगा बिल्डिंग, ठीक है। इसी तरह से आप देखिए कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, तो डेबिट साइड में हमें लिखना है 18,000 रुपया, रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है डेबिट में लिख दो। और डिफरेंस क्या देंगे किस चीज से हुआ है डेबिट या नुकसान किस चीज का है, तो प्लांट एंड मशीन, ये हो गया। ये सिंपल बिल्कुल जो 11th में हमने लेजर पोस्टिंग के रूल किए थे उसी के हिसाब से होगा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है तो 3,000 रुपये रिवैल्यूएशन में आप क्रेडिट साइड में डाल, डिफरेंस क्या देंगे किस चीज से बताइए, देखिए क्रेडिटर्स, तो आपको यहां लिखना है बाई क्रेडिटर्स, यहां लिखिए बाई क्रेडिटर्स। उसके बाद देखिए नेक्स्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर प्रोविजन ऑन डेटर्स, तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करना है हमने, तो डेबिट साइड में हम 2,750 लिखेंगे और रेफरेंस ये आएगा टू प्रोविजन ऑन डेटर्स, प्रोविजन ऑन डेटर्स, यानी कि रिवैल्यूएशन जितने अमाउंट से डेबिट हो रहा है वो डेबिट में आएगा, जितने से क्रेडिट हो रहा है वो क्रेडिट में आएगा, रेफरेंस अपोजिट हो जाता है। अब नेक्स्ट एंट्री में आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट करना है 25,000 रुपये से, तो आप यहाँ ले आए और रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आप लिखते हैं 15,000 रुपये, किस चीज से हुआ है बाई आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, तो रिवैल्यूएशन डेबिट है इसमें तो रिवैल्यूएशन को डेबिट कर देना हमने 3,000 रुपये से, किस चीज से हुआ है टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ये हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, अब रिवैल्यूएशन फिर डेबिट हो रहा है तो डेबिट लिख दे 3,000 रुपये डेबिट साइड में डाल दे 3,000 रुपया, किस चीज से हो रहा है टू स्टॉक। तो जितने आइटम इसमें थे वो सभी हमने रिकॉर्ड कर लिए, तो अब हमें क्या करना है एक रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज कर देना है और एक एंट्री और निकलेगी प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा उसकी। तो देखिए पहले इसमें आप देख लीजिए कि क्या लग रहा है आपको, 25, 40, 43,000 इधर है तो प्रॉफिट ही होगा, क्रेडिट साइड में ज्यादा आइटम है, तो देखिए हम यहाँ पर इसका बैलेंसिंग करेंगे, इसको बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट, यानी कि जो बड़ी साइड होती है उसको दोनों, बड़ा टोटल जो होता है उसको दोनों साइड में लिख देते हैं और जितना डिफरेंस होता है छोटी साइड में लिख के अकाउंट बैलेंस जो होता है उसको बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। तो ये कितना हो गया 25 और 50, 40 और 43,000, यहाँ हम लिखेंगे 43,000, यहाँ लिखेंगे 43,000, देखिए अब 43,000 हमारा क्रेडिट कट हो जाता है, डेबिट के कितना 18, 21, 24, 26,750 250 तो ये बच गया और 12 में से 6 गया 6, 3 में से हो गया 1, 16,250 का प्रॉफिट हुआ, तो हम यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, पहले यहाँ लिखो 16,250 कहाँ कहाँ जाएगा, एस कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट, ए और बी की कैपिटल अकाउंट में जाएगा, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 3:2, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, तो जो भी प्रॉफिट हमारा है वो
2 में हमें बांट देना है। 16,250 को हम 3:2 में बांटेंगे तो 5 से डिवाइड कर लो पहले। देखिए 5 3 15, 5 2 10, 5 5 25, 3,250 आया इसका एक हिस्सा 5 में से। इसको 3 से इंटू करके ऐसे देना है, 2 से इंटू करके ऐसे देना है, तो 9,750 ए को मिलेगा और 6,500 मिलेगा ई। तो ये प्रॉफिट बढ़ गया। अब इसकी जर्नल एंट्री बना लेते हैं, क्या बनेगी? देखिए अब रिवैल्यूशन का डेबिट मारा है ना ये, तो रिवैल्यूशन अकाउंट डेबिट टू ए और बी कर देगा। एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो 16,250 प्रॉफिट हुआ, 9,750 से मिला और 6,500 से। तो इस तरह से बच्चों बहुत आसानी से आप रिवैल्यूएशन के क्वेश्चन कर सकते हैं। इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखिए, समझिए। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो एक नंबर आपको डिस्प्ले हो रहा होगा स्क्रीन पे, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके हमको अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। और अगर पढ़ाया हुआ कंटेंट आपको ठीक लगता है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर।